रांची के मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता। टॉस शुरू हुआ पहला T20 मुकाबला इन दमदार खिलाड़ियों के साथ उतरी दोनों टीमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला रांची के मैदान पर खेला जाना। इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जहाँ पर भारतीय टीम में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया इस मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब शुरू होगा और इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे। इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि हार्दिक पांडे की कप्तानी में टीम इंडिया यहां पर इस सीरीज को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करे और शानदार शुरुआत इस पहले T20 मुकाबले से ही करे। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला रांची के मैदान पर खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जहां पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम भी एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। तो ऐसे में यह मुकाबला काफ़ी कड़ी टक्कर का होगा, जब दोनों ही टीमें रांची के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ODI सीरीज की हार का बदला लेना चाहेगी। तो वहीं पर टीम इंडिया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस T20 सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर ही बने रहना चाहेगी। तो ऐसे में यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ ये टीमें मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे डेविन कॉनवे के साथ फिन एलिन, तो नंबर 3 पर उतरेंगे मिचेल रिपन, तो नंबर 4 पर डेरिल मिचेल, नंबर 5 पर मिचेल सेंटनर कप्तानी पारी खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 6 पर माइकल ब्रेसवेल उतरेंगे, नंबर 7 पर ग्लेन फ्रिप्स, तो नंबर 8 पर जेकब डप्पी, नंबर 9 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे लोकी फर्ग्यूसन, तो नंबर 10 पर ईस्ट सोडी, तो वहीं नंबर 11 पर मार्क चैंपियन को इस टीम में हिस्सा मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी कमाल की टीम ये टीम नज़र आ रही है और शानदार परफॉर्मेंस इस मुकाबले में करने वाली, और कमाल की टीम होने के बावजूद भी ये टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में उतरेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम के दमदार खिलाड़ी भी शानदार फॉर्म में और कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाए। तो ऐसे में हम टीम इंडिया की पूरी रणनीति की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे सुमन गिल के साथ ऋतुराज गायकवाड़, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ टीम में वापसी करने जा रहे हैं। तो वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर अपना डेब्यू करते हुए दिखेंगे पृथ्वी शो की भी टीम में वापसी होने जा रही है। तो वहीं पर नंबर 4 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन उतरेंगे, नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव, तो नंबर 6 पर टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या उतरेंगे, तो नंबर 7 पर दीपक हुड्डा, तो नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल, नंबर 10 पर हर्षदीप सिंह, तो नंबर 11 पर उमरान मलिक टीम इंडिया की तरफ से उतरने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय टीम कमाल की नज़र आ रही है और इस मुकाबले में शानदार जीत भी दर्ज करना चाहेगी। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय की, तो यह मुकाबला शुरू होगा भारतीय समयानुसार शाम को 7:27 को, जिसे आप लाइव देख पाएंगे Disney+ Hotstar पर। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया शानदार जीत दर्ज कर पाएगी? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।